हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में पोल्ट्री से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट डिजीज का डिस्कशन करेंगे हम। और इस पर्टिकुलर डिजीज के बारे में ऑलमोस्ट जितने भी एग्जामिनेशंस में एनिमल हस्बेंड्री पूछा जाता है, हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस पर्टिकुलर डिजीज से फ्रेम हो ही जाते हैं। जिस डिजीज के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज नोन एज रानी खेत डिजीज, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पोल्ट्री डिजीजेस है ये, जिसे हम कहते हैं रानी खेत डिजीज। इसका नाम रानी खेत इसीलिए पड़ा बिकॉज इसको भारत में सबसे पहली बार रानी खेत टाउन में रिपोर्ट किया गया था, जिसके कारण इसको रानी खेत डिजीज भी कहते हैं। साथ ही साथ इस डिजीज को न्यू कैसल डिजीज भी बोला जाता है, न्यू कैसल डिजीज। और इसके अलावा इस बीमारी को डॉयल्स डिजीज भी बोलते हैं। इसको डॉयल्स डिजीज कहने के पीछे का रीजन है दैट इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय अ साइंटिस्ट जिनका नाम ही था डॉयल इन द ईयर 1927। सो डॉयल ने 1927 में सबसे पहली बार इस बीमारी को रिपोर्ट किया था, जिसके कारण इस बीमारी को डॉयल्स डिजीज भी बोला जाता है। तो ये तो हो गया इस पर्टिकुलर डिजीज के दो मेन नाम, जिन नामों से ये और भी जाना जाता है। अब आइए बात कर लेते हैं कि रानी खेत डिजीज बेसिकली पोल्ट्री के किस सिस्टम को प्रभावित करता है। तो ध्यान रखिएगा, इट मेनली अफेक्ट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करने वाली बीमारी मानी जाती है रानी खेत डिजीज। अब बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर डिजीज के सिम्टम्स के बारे में। तो सिम्टम्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। यंग बर्ड्स में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इस पर्टिकुलर बीमारी के, और एडल्ट बर्ड्स में, एडल्ट पक्षियों में या ग्रोइंग बर्ड्स में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं रानी खेत डिजीज के। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं यंग बर्ड्स में क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो बेसिकली यंग बर्ड्स में दो मेन सिम्टम्स रिपोर्ट किए जाते हैं, एक तो छींक आना जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्नीजिंग, और एक दूसरा सिम्टम जिसे इंग्लिश में लिखते हैं गैस्पिंग। गैस्पिंग का मतलब होता है सांस का बहुत तेजी से ऊपर नीचे होना, जिसे हम क्या बोल देते हैं इंग्लिश में गैस्पिंग। तो यंग बर्ड्स में स्नीजिंग और इसके अलावा गैस्पिंग, ये दो मेन सिम्टम्स रिपोर्ट किए जाते हैं इन रानी खेत डिजीज। वही अगर एडल्ट या ग्रोइंग बर्ड्स की मैं बात करूं तो इसमें वॉटरी स्टूल का पास होना, स्टूल का मतलब होता है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटा या टॉयलेट, तो वॉटरी स्टूल का पास होना, और इस वॉटरी स्टूल में ऑफेंसिव स्मेल का भी होना। ऑफेंसिव स्मेल यानी ऐसी बदबू जिसे बर्दाश्त कर पाना पॉसिबल ना हो। सो ये दो मेन सिम्टम्स होते हैं यंग बर्ड्स और एडल्ट और ग्रोइंग बर्ड्स के केस में। यंग बर्ड्स में स्नीजिंग और गैस्पिंग, वहीं अगर एडल्ट या ग्रोइंग बर्ड्स की बात करें तो एडल्ट या ग्रोइंग बर्ड्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण जो देखने को मिलता है वो वॉटरी स्टूल का पास आउट करना, जिस वॉटरी स्टूल में बहुत तेज बदबू भी हो, ऑफेंसिव स्मेल भी पाया जाता हो। सिम्टम्स के बाद हम बात कर लेंगे कि ये पर्टिकुलर रानी खेत डिजीज के कॉजल एजेंट कौन माने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा दैट रानी खेत डिजीज इज अ वायरल डिजीज। ये किससे होता है? इट इज कॉज्ड बाय वायरस। So, लिख लेंगे कॉजल एजेंट। कॉजल एजेंट मतलब किससे होता है ये बीमारी, क्या ये फंगस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है। तो ध्यान रखिएगा इट इज कॉज बाय वायरस। इस वायरस का नाम भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, PMV1, एंड द फुल फॉर्म इज पैरामाइएक्सोवायरस 1। पैरामाइएक्सोवायरस 1 इस पर्टिकुलर वायरस से रानी खेत बीमारी जनरली देखने को मिलता है होते हुए। साथ ही साथ अगर मान लीजिए पूछ लिया गया कि बताइए ये जो पैरामाइएक्सोवायरस 1 रानी खेत बीमारी कॉज करता है, इसका जीनस क्या है? सो ध्यान रखिएगा द जीनस इज एवोला वायरस। जैसे आप पढ़ते हैं ओराइजा सटाइवा, राइस का साइंटिफिक नाम, तो इसमें जीनस नेम क्या हो जाता है? ओराइजा। उसी तरह से इस पर्टिकुलर वायरस का जीनस क्या है? सो इट इज एवोला वायरस। इसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर और लास्ट पॉइंट पर आ जाते हैं जो कि जनरली यहां से पूछा जाता है, एंड इट इज वैक्सीनेशन शेड्यूल।
ये जो वैक्सीनेशन शेड्यूल मैं लिखा रही हूँ रानीखेत बीमारी के लिए, ये बेसिकली लेयर ग्रुप ऑफ चिकन के लिए बोला जा रहा है। लेयर्स मतलब जिनको जनरली हम एग लेइंग के लिए यूज करते हैं, ऐसे ब्रीड्स को हम कहते हैं लेयर ब्रीड्स। वैक्सीनेशन शेड्यूल बेसिकली हमें दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हुए पढ़ना है, एक है डेज और दूसरे कॉलम में आप लिख लेंगे वैक्सीन का नाम, यानी कितने दिनों में कौन सा वैक्सीन देना है हमें, किस तरह से देना है, इसके बारे में मैं डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। सो डेज और वैक्सीन का नाम। अब ऑब्वियस सी बात है, वैक्सीनेशन जो शेड्यूल कर रहे हैं उसमें उन पर्टिकुलर चिकन्स का या बर्ड्स का आपको एज भी याद रखना है, तो एज ध्यान से देखिएगा, 5, 27वां दिन, 52 दिन, 5 days, 27 days, 52 days, 64वें दिन पर, 112वें दिन पर, और जो लास्ट वैक्सीनेशन का डोजेज देना है वो 280 दिनों में देना है। सो पहला वैक्सीन का डोजेज 5वें दिन में, दूसरा 27वें दिन में, 52वां दिन में, 64वां दिन में, 112, 280, 5, 27, 52, 64, 112, 280, ये याद होना चाहिए। अब आ जाते हैं कौन कौन सा वैक्सीन हमें कितने दिनों पर देते जाना है। तो 5वें दिन में F/B वैक्सीन दिया जाता है, ध्यान रखिएगा पूछा जाता है। 27वें दिनों में लसोटा नाम का वैक्सीन दिया जाता है। इसके बाद 52 डेज पर अगेन लसोटा वैक्सीन दिया जाता है। 64 डेज में R2B वैक्सीन दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 112वें दिन पे, फिर से लसोटा वैक्सीन, एंड लास्ट है 280, फिर से लसोटा वैक्सीन। सो ये हो गया रानीखेत डिजीज का वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉर लेयर्स। आई होप आप सभी को आज की क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी हो। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।